आगामी बरावफा त्यौहार के संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग आउट की गई और पीस कमेटी की मीटिंग हुई, इसी के बाद हम लोगों ने आगामी जो अयोध्या प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आने वाला है उस संबंध में भी वार्ता की कि जो भी आदेश या निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय का आता है उसके संदर्भ में कोई ऐसे रिएक्शन ना हो पब्लिक के बीच, सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखी जाए और किसी भी इस प्रकार के विमर्श या किसी बातों को रोका जाए और सभी लोग कानून व्यवस्था को ठीक से बनाए रखने का संकल्प करें। सबको मारना है ये हमारा तर्क है क्योंकि ये हमारी पूजा है, हम मुसलमान है, हमारी ये मस्जिद है, बात करते हैं ये हमारी पूरी जाती है। इसमें ना योगी जी है ना मोदी जी है, मेरा नाम चांद सिंह है और मैं नवाबगंज में पैदा हुआ हूँ, यही मरूंगा और मैं कहीं जाऊंगा। अभी तक ना कोई दंगा हुआ है ना कोई फसाद हुआ है ना किसी ने छीटा कभी नहीं हुआ। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारा देश भारत है, हम भारत वासी हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। ये तो इसका लोग फाड़ देते हैं, नेता फाड़ देते हैं, हमें लड़ा देते हैं और कुछ गुंडे किस्म के लोग किसी को उठका दी, दारू गिरा दी, अरे वो हमें बर्दाश्त करना है। ये जो फैसला आएगा इसमें थोड़ा बहुत तो हम लोग को बर्दाश्त ही करना है और करके रहेंगे, हमें यही जीना मरना है और नवाबीगंज में मरेंगे यही दफन होंगे। तो इसमें बड़ी सफलता बढ़ती है कि आपस का स्वाद और प्रेम व्यवहार ना करें। तो सबसे पहले तो ये मंदिर में है और वहां भी ये लोगों को प्रसारित किया जाए कि जब ये निर्णय आएगा तो इसका सभी लोग स्वागत तो करेंगे लेकिन कोई प्रतिकारात्मक कोई हर्ष या किसी प्रकार का ढोल नगाड़ा इस तरह की बात वो लोग नहीं करेंगे। मतलब इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए कि कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई जैसे मान लीजिए जो हमारी मस्जिद है उसमें भी अलार्म होंगे कि चाहे वो मुस्लिम के फेवरेट में यदि निर्णय है चाहे हिंदू। इस बारे में हमारा आपसे बताना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले और अब में बड़ा फर्क हो गया है। इससे पहले मुझे याद है कि जब हाईकोर्ट लखनऊ में निर्णय आया था तो 2010 की उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता था, ठीक है, मीडिया के फोन आ जाते थे, सेंसर के फोन नहीं थे, मतलब लिमिटेड एक बार होंगे और तमाम बहुत महंगे एंड्रॉइड फोन जस्ट आए थे 2010 वगैरह में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हाट्सएप उसमें नहीं चलता था। अब यह जमाना आ गया व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इन सारी चीजों की, तो सोशल मीडिया से इतनी जल्दी प्रचार प्रसार होता है कि मतलब रिवर्स करने का संकट पैदा हो जाता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं 2010 में लखनऊ में था और जैसी अभी जागरूकता लाने की कोशिश हुई है 2010 में भी हुई थी, मैं बकलेट 2010 की भी मेरे पास अभी पड़ी है, मैं उसको अभी मैं यहाँ लाया नहीं, नहीं तो मैं यहाँ से आपको दिखा था। 2010 में भी हम लोगों ने बुकलेट बनाए थे, मैं उसको राजधानी में घोषित था और मैं खुद माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में वहां से नाका इलाके से पूरी एक मिनी बस डीवीडी राइटर्स को लेकर गया था, मैं जो वहां डीवीडी बनती है उनको एक मिनी बस में बैठा दी, मतलब 20-25 लोगों का ग्रुप हम लेके गए थे हाईकोर्ट में केवल इस बात के लिए कि जो भी निर्णय होगा वो बहुत जल्द सारे पत्रकारों के बीच में बांट दिए जाए, नहीं रिवर्स आ जाएगी तो बताएंगे होंगे भाई। निर्णय उसमें भी सोचा की स्थिति थी, ये नहीं किसी को मालूम है कि क्या निर्णय आ रहा है भाई, माननीय न्यायालय का क्या निर्णय होगा ये नहीं पता होता किसी को भी, ये भले पता होता है पहले से कि हमारी मतलब एविडेंस हमारे पक्ष में थोड़ा मजबूत है, जैसे किसी ने मुझे मैं लगाया ये नहीं मालूम होता कि नियोजक किस मुर्गी को जेल भेजेगा किसको नहीं भेजेगा खारिज कर देगा कि चार्जशीट लगाएगा, लेकिन वादी मुकदमा में यह पता रहता है कि हाँ मैंने ये मुकदमा लिखा है तो मेरी मजबूती है, मेरे पास एविडेंस है कि इसमें कोई कार्रवाई, ये थोड़ा बहुत तो पता होगा हर पक्षकार को कि हमने कितने एविडेंस दिए हमने कितने नहीं दिए, इतने आइडिया होती है। निर्णय किसी को नहीं बताया हमने, जो आप कह रहे हैं निर्णय यहाँ पे किसी को न पता है ना कुछ है, यहाँ पे तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं वो पहले ही हमने बताया कि हिंदू लोग सभी कर रहे हैं मुस्लिम लोग सभी कर रहे हैं, दोनों पक्षकारों से कह रहे हैं कि निर्णय चाहे तो मुस्लिम भाइयों के पक्ष में हो चाहे हिंदू भाइयों के पक्ष में हो, निर्णय का हमें सम्मान दिया जाना है, निर्णय का हमें सम्मान दिया जाना है।
तमाम करने के बाद उसके इसके खिलाफ भी आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि शासन को आप लोग भेजे कि ये गलत तरीका है। अदालत के निर्णय जिसे नहीं माने वो अपनी अदालत में, लेकिन ये गलत है। हमारी जहां भाईचारा है भाईचारा रहेगा। अयोध्या का मैटर है, ये बाहर से सिंगल जी आ रहे हैं, वो दर्ज आ रहा है, इसे क्या मतलब। योगी जी मैं नाम लेके जैसे योगी जी कहते हैं, योगी जी को मैं पसंद, मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, योगी बाद में है अब मुख्यमंत्री है, उनको राज ये धर्म गुरुओं से हट के पहली बात तो उनको मठेश्वर थे, उनको सभी प्रणाम करते थे, आज तो उनको खुद प्रणाम करना। केंद्रीय मंत्री हो या केंद्रीय राष्ट्रपति क्या किस नतमस्तक होते, लोग उनके नतमस्तक होते थे। अब इससे बड़ा क्या है, पहले तो विश्वामित्र जी राजा से संत हुए, योगी हुए, आज योगी से संत राजा बन गए, इससे बड़ी विलंबन क्या हो। भाई आपके पास हम अगर निवेदन करने हैं, आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो इस पर दशक का न्याय कर, आपने इनको दबा दिया कि नहीं जी नहीं ये होना है, इनकी क्या औकात या तो ये सरकार कहे कि हम जो अदालत को डाउन कर दिया कि ये निर्णय तुमको करना है, तो हमारे ये जो भी चीजें हैं हम सारे भाईचारा है, या हिंदू मुस्लिम एक ही वेद के शादी विवाह काम काज भाईचारा में सब अभी जुड़े हैं। अब ये हमारी विचारधारा से ये जो हो रहा, सरकार इसको जान बूझ के वही अयोध्या जैसे मंदिर गिरा तो दोषी कौन है। भाई राम लला मैं उनका था, अब निर्णय की बात करें, अब निर्णय जो भी निर्णय होगा वो अदालत का निर्णय है, और जज जो है बुद्धिजीवी होते हैं पढ़े लिखे होते हैं वो न्याय करेंगे, वकील होते हैं अपनी अपनी लिखा पढ़ी में दिया होगा, बहस हुई है, जो निर्णय होगा सब मान सभी का होगा, अगर नहीं होगा तो अगली अदालत जाएगा। हमारा तो यही निवेदन है कि